हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के 2018 के क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी मैंने 15 क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए हैं पहले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 16 क्वेश्चन से चालू करेंगे और आगे 30 क्वेश्चन तक आज ख़त्म करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, आपको कोई डाउट आ रहा है और आपको कोई ऐसा लग रहा है कोई अदर टॉपिक आपको मैं कवर करूँ, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज का ये लेसन शुरू करते हैं। सो द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कन्फर्मेशन इन जेड फॉर्म ऑफ DNA इज़। सो यहाँ पे जेड फॉर्म ऑफ DNA का कन्फर्मेशन पूछा है। हमें पता है जो DNA होता है उनके जो फॉर्म्स होते हैं तो 3 फॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स होते हैं जो DNA के फॉर्म्स में हम कंसिडर करते हैं। अगर हम कंसिडर करें ए फॉर्म को, तो ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म। तो जेड फॉर्म में ही ऐसे 2 चीज़ें हैं जैसे कि साइटोसिन एंड गोनिन, जिसके फॉर्म्स अलग होते हैं। अगर ए एंड बी दोनों को ही कंसिडर करें तो दोनों में ही एंटी फॉर्म ही प्रेजेंट होता है, बाकी कौन सा दूसरा फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता। अगर सी में भी हम कंसिडर करें तो सी में भी एंटी फॉर्म ही प्रेजेंट होता है, सिर्फ गोनिन ही ऐसा है जिसमें जो फॉर्म है वो अलग होता है। सो गोनिन में कौन सा फॉर्म होता है, तो गोनिन में जो होता है तो गोनिन में सिन फॉर्म प्रेजेंट होता है। सो बाकी सभी में अगर ए फॉर्म है तो बी फॉर्म है तो एंटी फॉर्म प्रेजेंट होगा, साइटोसिन है जेड का तो भी एंटी फॉर्म प्रेजेंट होगा, सिर्फ गोनिन में सिन फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो गोनिन क्या है, गोनिन प्यूरिन है, राइट। जैसे कि एडेनिन एंड गोनिन, ये दोनों प्यूरिन में आते हैं एंड साइटोसिन पिरिमिडिन है, इसीलिए पिरिमिडिन एंटी फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड जो प्यूरिन है वो सिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे याद कैसे रखें, सो इसे याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जेड फॉर्म का जी फॉर्म जो है वो सिन होता है, दैट इज ज़्यादा गुस्सा। तो गुस्सा एक शब्द में आप ले सकते हैं और ज़्यादा, ज़्यादा मीन्स जेड फॉर्म में गुस्सा आता है या जेड फॉर्म को ज़्यादा गुस्सा आता है। सो ज़्यादा गुस्सा, दैट इज जेड फॉर्म में जो गोनिन है वो सिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या कि जो है एंटी ऑफ पिरिमिडिन एंड सिन ऑफ प्यूरिन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर है बी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मोस्ट कॉमनली आपको ये याद रखना है कि एडेनिन ए फॉर्म है या बी फॉर्म है, दोनों में एंटी फॉर्म प्रेजेंट होता है और जेड फॉर्म में भी एंटी प्रेजेंट होता है अगर वो साइटोसिन है तो। गोनिन है तो ही उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सिन फॉर्म प्रेजेंट होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेफर्ड या रिवर्स टर्न। सो रिवर्स टर्न करने के लिए या टर्न करने के लिए कौन सा अमीनो एसिड हम प्रेफर करते हैं। अगर टर्न आए तो मोस्ट कॉमनली हमें पता है हम प्यूरिन ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो टर्न है वो प्यूरिन के स्ट्रक्चर में ही है, इसीलिए हम प्यूरिन यूज़ करते हैं अगर किसी भी टर्न हमें चाहिए हो तो। सो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम कहें तो गोनिन की तक कहते हैं हम, और सबसे ज़्यादा टर्न लेने के लिए हम किसे प्रेफर करते हैं तो हम प्रोलिन को प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर है प्रोलिन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोसोलिक NADH आर ब्रॉट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय मैलेट एस्पार्टेट शटल पाथवे। सो मैलेट एस्पार्टेट शटल पाथवे ये एक पाथवे है जिससे NADH क्या होता है, अंदर लाया जाता है, isn't it? सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक NADH आर ब्रॉट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय मैलेट एस्पार्टेट शटल पाथवे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो ऑफ विच दिस शटल स्पेशली ऑपरेटेड। सो मैलेट एस्पार्टेट शटल कहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, ये क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है
वहाँ पे जो NADH अंदर आते हैं और उसके बाद उस NADH का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ATPs या फिर ATPs प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो वहाँ पे जो NADH यूज़ किया जाता है, जो कि मैलेट स्पॉटेड शटल से अंदर आते हैं, और एक कौन सा शटल हम यूज़ करते हैं या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैलेट स्पॉटेड शटल है ही, लेकिन दूसरा कौन सा शटल है जो हम यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पे यूज़ होता है, वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका आंसर पता है तो। सो मैलेट स्पॉटेड शटल जो है तो मोस्ट कॉमनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो मैलेट स्पॉटेड शटल ये जो है मोस्ट कॉमनली हार्ट एंड लीवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अलोंग विद दैट यही जो मैलेट स्पॉटेड शटल है वो और एक ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमें पता है कि वो हार्ट एंड लीवर में प्रेजेंट होता है, बट अलोंग विद दैट हार्ट लीवर एंड किडनी, सो किडनी में भी ये प्रेजेंट होता है अलोंग विद हार्ट एंड लीवर। सो हार्ट लीवर एंड किडनी में मैलेट स्पॉटेड शटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, सो इपिनेफ्रिन जो है तो किस अमीनो एसिड से प्रेजेंट या फॉर्म होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, CSIR में भी आते हैं कि ये जो है वो किस अमीनो एसिड से फॉर्म हुआ है। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, आप एक लिस्ट बनाकर रख सकते हैं। सो इपिनेफ्रिन जो है वो मोस्ट कॉमनली टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है, सो दे आर प्रेजेंट या दे आर फॉर्म फ्रॉम टायरोसिन, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग DNA रिपेयर मैकेनिज्म सिस्टम इज ऑपरेशनल इफ एनवायरमेंटल एजेंट डैमेज द DNA, अगर एनवायरमेंटल एजेंट कोई DNA को डैमेज कर रहा है तो कौन सा मैकेनिज्म मोस्ट कॉमनली यूज होगा DNA को रिपेयर करने के लिए। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो मोस्ट कॉमन जो DNA रिपेयर सिस्टम यूज़ होती है, अगर इन्वायरमेंटल एजेंट डैमेज कर रहा है तो कोई बेस को डैमेज करेगा, तो हम मोस्ट कॉमनली बेस सिक्सेशन रिपेयर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शन को यहाँ पर देखें तो SOS सिस्टम एंड मिसमैच रिपेयर सिस्टम, मिसमैच रिपेयर सिस्टम हम कब करते हैं जब DNA रेप्लिकेट हो रहा है और DNA की रेप्लिकेशन के टाइम कोई बेस अगर मिसमैच हो रहा है तब हम मिसमैच रिपेयर सिस्टम यूज़ करते हैं। SOS रिस्पॉन्स हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं अगर कोई और रिपेयर सिस्टम वहाँ पे काम नहीं करेगी और हमें सिर्फ DNA को बचाना है, नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके हम SOS रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। अब बचा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम एंड बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम को कहें तो वहाँ पे 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड हम रिमूव करते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल से अगर हम कहें जैसे कि UV रेडिएशन से हो तो भी 1-2 बेसिस ही चेंज होते हैं, तो वो बेसिस अगर हम चेंज करें तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, जिसके यूज़ करके हम जो 1-2 न्यूक्लियोटाइड है उसे रिमूव करेंगे और उसके जगह पर जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है उसे ऐड करेंगे। सो इसका आंसर होगा ए, दैट इज़ बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग जीन रेगुलेशन डज नॉट इंक्लूड, सो जीन रेगुलेशन जैसे हम करते हैं तो उस कौन सी चीज़ या कौन सा मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन डज नॉट इंक्लूड, सो जीन रेगुलेशन हम कहाँ पे नहीं कर सकते या वहाँ कहाँ पे हम नहीं करते। सो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, RNA ट्रांसक्रिप्ट जो उसकी प्रोसेसिंग है उसे भी हम रेगुलेट करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ रेप्लिकेशन को हम रेगुलेट नहीं कर सकते। सो मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन डज नॉट इंक्लूड दैट इज रेट ऑफ रेप्लिकेशन, रेट ऑफ रेप्लिकेशन को हम रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन DNA से जो RNA बनता है उसे हम रेगुलेट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो प्रोटीन बनता है वहाँ पे भी यहाँ पे और यहाँ पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। सो कहाँ पे नहीं रेगुलेट कर सकते ऐसा क्वेश्चन है, तो सो रेट ऑफ रेप्लिकेशन को हम रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड वॉर डाइजेस्टेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू जनरेट अ मैप. डाइजेशन विथ पाम एच वन एंजाइम गिव राइज टू सिंगल बैंड ऑफ 11 KB. अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर प्लाज्मिड है, सर्कुलर प्लाज्मिड हमारे पास एक सर्कुलर प्लाज्मिड है और उस सर्कुलर प्लाज्मिड को अगर हमने डाइजेस्ट कर दिया पाम एच वन से तो हमें एक 11 KB का एक बैंड मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा है. वेल डाइजेस्टेड विद नॉट वन गिव राइज टू टू बैंड करस्पॉन्डिंग टू 7 KB एंड 8 KB. अगर यही चीज़ हमने नॉट वन से कट कर दी तो हमें दो बैंड्स मिल रहे हैं. अगर हम इसे कहें नॉट वन और इसे कहें बैम एच वन, तो नॉट से अगर हमने इसी सर्कुलर प्लाज्मिड को कट किया तो हमें एक 7 KB का प्लाज्मिड मिल रहा है और एक 8 KB का एक बैंड मिल रहा है. ठीक है, सो ये 7 KB का है और एक 8 KB का है. व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ द सर्कुलर प्लाज्मिड दैट विल बी कंसिस्टेंट विद द अबव ऑब्जर्वेशन. अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्वेश्चन में क्या पता है कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में बैम एच वन की साइट है. ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है कि बैम एच वन की एक साइट है या दो साइट है, सिर्फ ये बताया है कि बैम एच वन की साइट है. उसे कट करने के बाद हमें 11 KB का फ्रैगमेंट मिलता है. 11 KB का फ्रैगमेंट मिलता है, इसका मतलब उन्होंने ये भी नहीं दिया है कि 11 KB का एक फ्रैगमेंट है या दो फ्रैगमेंट है. राइट, कट करने के बाद सिर्फ 11 KB का जेल में फ्रैगमेंट मिल रहा है, जेल में 11 KB का एक बैंड मिल रहा है. एक बैंड मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ एक फ्रैगमेंट है, 11 KB के 2, 3, 4 फ्रैगमेंट हो सकते हैं. तो हमें यही पता करना है कि उस टोटल प्लाज्मिड की साइज़ कितनी है. ठीक है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड कर दी है कि अगर हमने इसी प्लाज्मिड को नॉट वन से कट किए तो हमें 7 और 8 के दो फ्रैगमेंट मिलेंगे. 7 और 8 को हम ऐड करें तो हमें कितना मिलता है, 15. राइट, सो हमें 15 मिलता है. इसका मतलब जो टोटल प्लाज्मिड है वो 11 KB से ज़्यादा है. करेक्ट, आपको समझ में आया है कि 11 KB से ज़्यादा है. इसका मतलब ये कि बैम एच वन की सिर्फ एक साइट नहीं दो साइट हो सकती है. सो बैम एच वन की दो साइट अगर हम कहें और बैम एच वन से हमने यहाँ पर और यहाँ पर कट किए तो हमें 11 और 11 ऐसे दो फ्रैगमेंट मिलेंगे. सो सिर्फ 11 के होंगे लेकिन दो फ्रैगमेंट होंगे और जिसका बैंड एक ही दिखेगा. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है वो 22 KB का हो सकता है. अब इसे कंफर्म कैसे करें? अगर हम कहें कि बैम जो है बैम एच वन के दो साइड है, अगर हम नॉट वन से कट करें और नॉट वन की अगर हम कहें कि 3 साइड है. ठीक है, अगर हम कहें कि नॉट एट वन की नॉट की 3 साइड है तो हमें 1 8 का फ्रैगमेंट और 2 7 का फ्रैगमेंट अगर कहे तो हमें टोटल मिलके 22 KB का फ्रैगमेंट या 22 KB हो सकता है, जिससे हमें 8 के एक फ्रैगमेंट मिलेंगे और 7 के दो फ्रैगमेंट मिलेंगे. 7 का हमें एक ही बैंड दिखेगा जेल में अगर हमने रन किया तो, और 8 का एक बैंड दिखेगा. इसका मतलब अगर हमने नॉट से कट किया तो हमें 7 और 8 के फ्रैगमेंट मिल रहे हैं और बैम एच वन से अगर हमने कट किए तो हमें 11 KB का फ्रैगमेंट मिल रहा है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्लाज्मिड 22 KB का हो सकता है. आई होप आपको यह समझ में आया होगा. इसी क्वेश्चन को अगर उन्होंने घुमा दिया और उन्होंने ये पूछा कि बैम एच वन के कितने साइट होंगे, तो बैम एच वन के हमें पता है कि 2 साइट होंगे और नॉट के कितने साइड होंगे, तो नॉट के 3 साइड होंगे. इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसे ये आंसर निकल के आता है कि 22 KB का हमारा फ्रैगमेंट बनेगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में तो 22 KB है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 KB. सो 22 KB का ये फ्रैगमेंट बन सकता है. आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं.
अगर आपको करना है तो 11 KB का तो वैसे ही नहीं होगा, हम जल्दबाजी में 11 KB टिक कर देंगे, क्योंकि अगर डाइजेस्ट कर रहे हैं तो 11 KB का फ्रैगमेंट मिल रहा है, इसका मतलब हमें ये लगेगा कि नहीं यार BAMH1 से कट कर रहे हैं, 11 KB का फ्रैगमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये प्लाज्मिड 11 KB का ही होगा। नहीं, वो बैंड कह रहे हैं, सिंगल बैंड 11 KB का है, फ्रैगमेंट 11 KB का नहीं, इसका मतलब ए तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन को और अच्छी तरह से कंफर्म कर दिए तो 22 KB का हमें आंसर मिल सकता है या फिर मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैसेंजर RNA इज 222 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इंक्लूडिंग इनिशिएटर एंड टर्मिनेटर कोडन, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस mRNA इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए, दैट इज़ कि 3 न्यूक्लियोटाइड को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक कोडॉन फॉर्म होता है, और उसी एक कोडॉन से क्या मिलता है, उसी एक कोडॉन से हमें एक अमीनो एसिड फॉर्म होता है। इसका मतलब जो कोई भी ये 3 कोडॉन है, 3 न्यूक्लियोटाइड है, उस 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बनेगा, और उसी एक कोडॉन से हमें एक अमीनो एसिड मिलेगा। और एक बात हमें यह पता होनी चाहिए कि प्रोटीन जब मतलब जो मैसेंजर आरएनए है, वो मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन में फॉर्म होता है तो उसके पास एक स्टार्ट कोडॉन होता है और एक टर्मिनेटर कोडॉन होता है। स्टार्ट कोडॉन जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, जो बाद में अगर रिमूव हो तो रिमूव हो जाता है, दैट मे बी अ मिथियोनिन और फॉर्मल मिथियोनिन। लेकिन जो टर्मिनेशन कोडॉन है वो प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट होता, राइट? तो उस टर्मिनेशन कोडॉन को हमें माइनस करना होगा वट एवर द mRNA हमें दिया है यहाँ पे उससे। कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें ये दिया है कि मैसेंजर RNA 222 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। अगर हम 222 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है ऐसा कहा है, तो उसको हमने अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें ये पता चलेगा कि 222 से कितने कोडॉन्स बनेंगे। ठीक है, अगर हम कहें तो उससे 74 कोडॉन्स बनेंगे। अब उस 74 कोडॉन से हमें एक पता है कि वहाँ पे लास्ट जो कोडॉन है वो टर्मिनेशन कोडॉन है, जिसे हमें यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि वो प्रोटीन तो बनाएगा नहीं। तो 74 को हमने -1 कर दिया तो हमारे पास 73 कोडॉन्स बच जाएंगे, और यही 73 कोडॉन्स क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्म करने के लिए मदद करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें यही बोला है और यही पूछा है कि द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस mRNA इज 73। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 73 कोडॉन से क्या बनाएंगे, 73 प्रोटीन्स बनाएंगे और उसी से प्रोटीन क्या हो, 73 अमीनो एसिड बनाएंगे और उसी 73 अमीनो एसिड का वो प्रोटीन बनेगा जो कि 222 दैट इज़ 222 से 222 न्यूक्लियोटाइड से बनने वाला है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका आंसर है 73। 74 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि स्टॉप कोडॉन को हमें माइनस करना है उससे। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर 73 आएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, द नेम ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ H1N1 फ्लू। सो H1N1 फ्लू में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें पता हो तो भी हम उसका आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हमें उस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर हम समझते हैं, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो हम ऐसे क्वेश्चन को तुक्का लगा कर भी रख सकते हैं कि अगर आया राइट तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स में हम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। लेकिन यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती या नहीं होती, इसलिए हम तुक्का लगाते हैं। तो इसका आंसर जो है ओइस्तामीर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये ड्रग हम H1N1 फ्लू में यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो RNA दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज सेल स्प्लाइसिंग नाइट्रस आर नोन एज स्प्लाइसेस ऑफ मैच्योर RNA, राइबोसाइम या फिर लारिएट। यहाँ पर क्या आंसर होगा जो कि सेल्फ स्प्लाइसिंग करता है?
पहली बात तो ये कि अगर हम देखें तो आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है वो हर एक आरएनए की अलग होती है। जैसे कि हम एमआरएनए की देखें तो एमआरएनए की जो स्प्लाइसिंग होती है वो कौन करता है, तो वो स्प्लाइसियोसोम्स करते हैं, राइट। स्प्लाइसियोसोम जो होता है वो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग करता है। अगर हम आरआरएनए की देखें तो आरआरएनए की जो स्प्लाइसिंग होती है वो सेल स्प्लाइसिंग होती है, और सेल स्प्लाइसिंग कौन कराता है, तो सेल स्प्लाइसिंग राइबोसाइम्स कराते हैं, ठीक है। अगर हम तीसरी देखें दैट इज़ टीआरएनए, तो टीआरएनए में जो स्प्लाइसिंग होती है वो एंजाइमेटिक एक्शन से होती है। एक आरएनएज, एचआरएनएज, ए, इन सारे आरएनएज को यूज़ करके या फिर अदर केमिकल्स को, अदर एंजाइम्स को यूज़ करके टीआरएनए की स्प्लाइसिंग होती है। लेकिन अगर हम कहें सेल स्प्लाइसिंग, तो सेल स्प्लाइसिंग जो होती है आरएनए की वो राइबोसाइम से होती है, और लारियन जो फॉर्म होते हैं ये कुछ नहीं है। लारियन जो है वो स्प्लाइसियोसोम्स में, जो आरएनए में जो स्प्लाइसिंग होती है उसके बाद लारियंस फॉर्म होते हैं। सो इसलिए इसका जो आंसर है वो है राइबोसाइम्स, ठीक है। सो राइबोसाइम्स जो कि एक आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल्फ स्प्लाइसिंग करने में मदद करते हैं, सो दैट इज़ द राइबोसाइम्स।